कुपवाड़ा से एनकाउंटर की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। कुमकरी इलाके में मुठभेड़ जारी है, एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर, कुपवाड़ा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, एक आतंकी के ढेर किए जाने की खबर है। कुमकरी इलाके में यह मुठभेड़ चल रहा है, एक जवान भी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिपोर्टर कुपवाड़ा से, यहिया सुल्तान, यहिया क्या ताजा जानकारी है? जी निशान, मैं आपको बताता चलो कि आज एक बार फिर जो है कुपवाड़ा जिले के कुमकरी इलाके में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर आज फौज और मिलिटेंटों के दरमियान अचानक जो एनकाउंटर शुरू हुआ है, आमना सामना हो गया। जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। इस बीच अभी तक जो बड़ी खबर ये है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, जबकि फौज के तीन जवान जो है वो इसमें जख्मी हो गए हैं और जख्मी नौजवानों को जो है हेलीकॉप्टर के जरिए उठाया गया है, इवैक्यूएट किया गया है और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तमाम दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग का तबादला जारी है। जरा से मालूम हुआ कि आज सवेरे ही फौज की गश्ती पार्टी इलाके में गश्त कर रही थी जंगलाती इलाके में, तो अचानक जो है मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। तमाम फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। जरा से मालूम हुआ है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार जंगलाती इलाके में दाखिल हुआ था, तो फौज को खबर थी। उस बीच सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था, तमाम उस बीच जो अचानक वहां पर जो है मिलिटेंटों और फौज का आमना सामना हुआ, जिसके पेश नजर वहां पर तीन फौजी जवान जो है वो जख्मी हो गए पहले ही फायरिंग में। ताहम जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जो है मारा गया है, बाकी जो ग्रुप है उस पर जो है आप फौज ने पूरे जंगलाती एरिया को जो है वो घेरे में ले रखा है, क्योंकि वाजर है इससे पहले भी इसी दूसरे इलाके में लोला वैली में जो पिछले चार रोज से जो है वहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है, जिसमें वो मिलिटेंट भी मारा गया था और आज उसी एरिया में फिर से वो सर्च ऑपरेशन दोबारा लॉन्च किया गया है। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई है, यानी कि हम कहेंगे कि कुपवाड़ा जिले के दो अलग अलग मुकाम पर एनकाउंटर जारी, एक जगह सर्च ऑपरेशन और दूसरी जगह जो कुमकड़ी, जिसमें इस वक्त जो है हम कहेंगे कि इस वक्त फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। जी विशाल, क्या ये जो आपने बताया कि जब फौज की गश्ती गाड़ी पर हमला किया गया, फायरिंग की गई, क्या ये एक तरह का एम्बुश था? विशाल, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जंगलाती इलाका है, गाड़ी पे हमला नहीं बल्कि एक गश्ती पार्टी जो जंगलाती इलाके में सर्च करती है रूटीन बेस उनका होता है, उन्हें ये भी खबर थी कि इलाके में मिलिटेंट घुस चुके हैं, तो उस बीच जंगलाती इलाके में जो है पूरे जंगल को घेरे में ले रखा था, तो अचानक जो है मिलिटेंटों और फौज का जंगलाती इलाके में जो है आमना सामना हुआ, जिसके बीच दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और उसी तबादले में एक मिलिटेंट जो है अभी तक खबर है कि मारा गया है और तीन फौजी जवान जख्मी हो गए। ये एक किस्म का जो जंगलाती इलाका है वहां पर मिलिटेंट पहले अलर्ट भी रहते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि फौज अंदर दाखिल हो चुकी है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अटैक करने की, लेकिन फौज जो है वो गश्त कर रही थी जंगलाती इलाके में, तलाशी उनकी जारी थी, तो इस बीच ये वाकया पेश आया था। तो अब दोनों तरफ से जो इस वक्त तक की खबर है, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जो है वो लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जो है वो मिलिटेंटों का जो है इस जंगलाती इलाके में आ चुका है। ये कुमकड़ी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाला एक इलाका है हाईहमक कुपवाड़ा जिले का, तो इसी लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं और कुमकड़ी के जंगलात में दाखिल हो चुके हैं और अब पुलिस की आप फौज की मजीद जो है टुकड़ियां जो है वो इस इलाके में रवाना की गई है ताकि जो ये मिलिटेंटों का ग्रुप है वो फरार होने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि मैंने विशाल आपको पहले भी कहा कि जो दूसरा इलाका है लोला वैली में जहां पर मिलिटेंटों का एक ग्रुप पहले से ही है, जिसमें एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया, एक फौजी जवान भी उसमें शहीद हुआ था, तो उस हवाले से जो है लगातार दोनों तरफ से इस वक्त दोनों जगहों पर अलग अलग मुकाम पर जो है एक जगह तलाशी कार्रवाई है और दूसरी जगह इस वक्त एनकाउंटर यानी कि फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से लगातार जारी है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका यहिया सुल्तान तमाम जानकारी के लिए और इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर अगले बुलेटिन में शामिल होंगे इस पर अपडेट।